जय श्री राम। माघ मास महात्म्य कथा का 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती हैं और वह पीताम्बर धारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। जय श्री राम। माघ मास महात्म्य कथा का 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ ना कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अगर